ये वाला मेरा पुराना वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने है कॉन्टेक्ट अस वाला पेज। और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉगर के अंदर, अगर आपको अपने वेबसाइट को मोनिटाइज कराना है, इस पर काम कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का पेज आज हम आपको एक न्यू वेबसाइट में, जो हमारा ये वाला वेबसाइट है, इसके अंदर ऐड करना सिखाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन तो अभी भी दिख रहे हैं, होम, अबाउट अस, तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म और ऐड करना है। कंप्लीट फॉर्म कैसे बनाते हैं, सारे फॉर्म ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप जाके विजिट करें, अंदर वीडियोस में देख सकते हैं एंड किस तरीके से सेटअप करने, सारी वीडियोस अवेलेबल है। इससे पहले हमने अबाउट अस की जो वीडियो बनाई थी कि अबाउट अस का पेज कैसे क्रिएट करेंगे, आज हम कॉन्टेक्ट अस वाला ये वाला पेज, सिंपली इंफॉर्मेशन वाला जो पेज है हमारा कॉन्टेक्ट का, वो पेज क्रिएट करने वाले हैं, ताकि कोई भी आपसे आराम से जो है कॉन्टेक्ट कर पाए। सिंपली यहाँ पर ऐड करेंगे, ब्लॉगर के एडिटर के अंदर आपको आ जाना है। नया वेबसाइट है मेरा, ये वाला वेबसाइट है MKTech ब्लॉग्स, और न्यू जो पुराना मेरा वेबसाइट है वो है digitalmonish.in। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको पेज का, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे पहले से मैंने एक पेज क्रिएट करके रखा है, उसको यहाँ पे दिखा रहा है। एंड जहाँ पे आपका वेबसाइट का नेम है, यहाँ न्यू पेज का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एडिटर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको हेडिंग दे देनी है, जो भी पेज आपको क्रिएट करना है वो सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो है हम बनाने वाले हैं, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी पेज आपको क्रिएट करना है वो बहुत आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखने के बाद में बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है जो आपको शो कराना है। कॉन्टेक्ट अस लिख दिया, अब है यहाँ पे हमें किस तरीके से पेस्ट करना है अपने पेज को, कैसे यहाँ पे हम पेज को लाके ऐड करेंगे HTML की मदद से। दोस्तों हम ये करने वाले हैं, बहुत आसानी से आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे स्टेप्स को तो कर पाएंगे। सिंपल यहाँ पे इसको यहाँ छोड़ देंगे, एक न्यू टैब के अंदर आपको आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है Gmail इमेज, इसके बगल में कुछ 4-5 डॉट्स आपको दिखते हैं, इन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जैसे नीचे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं। सिंपली हमें यहाँ पे जो है फॉर्म्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, सर्च कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दे रहा फॉर्म, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ एंड इस वाले ऑप्शन को हमें जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ फर्स्ट वाले जो पेज है, इस तरीके से आपको अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। तो हमें फर्स्ट वाले कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला पेज हमें लेना है, अलग अलग नाम लिखे हुए हैं पेज के हिसाब से। तो हमें ये वाला फॉर्म है जो ऐड करना है, ये वाला एक प्रोफेशनल क्लासिक पेज हमें बनाना है अपने ब्लॉगर के अंदर। तो सिंपल यहाँ पर आप आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद में एक ऑप्शन है यहाँ से इसको कॉपी करने का, यहाँ से जैसे आप करेंगे इसको इस तरीके से कर देंगे एंड यहाँ पर आने के बाद में एंड तीसरे नंबर पर आप जैसे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक HTML कोड दिखता है एंड इसको आप यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, इसको इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। जैसे आप इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, सिंपली यहाँ से उठा के जहाँ आपको ये एडिट करना है, जो आपने अबाउट अस का कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया है, तो हम कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में यहाँ पर आपको आ जाना है। अब आपको यहाँ पर ऐसे ही इसको पेस्ट नहीं करना है, सिंपली यहाँ आना है, कंपोज व्यू पर था, अब इसको हम HTML व्यू पर आ जाएंगे, एक बार यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके अब यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया है एंड फिर से इसको जो है कंपोज व्यू पे ला देना है। यहाँ पे इस तरीके से आपका पेज जो है शो होगा, इसको यहाँ से सेव कर देंगे, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसको व्यू करके दिखा देता हूँ किस तरीके से ये पेज है जो दिखने वाला है। अब यहाँ से आ जाएंगे तो मैं पहले इसको व्यू करके दिखा दूँ, ये वाला पेज जो हमारा है कुछ इस तरीके से आप सबके सामने ओपन होगा, ये जो सेम टू सेम ये फॉरम है, इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं। अब बात रही कि यहाँ पे फ्रंट पे किस तरीके से आपको ये लाना है, इसका जो अब जो ऊपर आपको URL इसका दिख रहा है, इस URL को आपको कॉपी कर लेना है, फुल URL कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब चलेंगे वापस से हम अपने एडिटर के अंदर, जो हमारा एडिटर है ब्लॉगर का, इसमें जाएंगे एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लेआउट का, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टॉप नेविगेशन का एक ऑप्शन आता है, आपके पास हो सकता है कि टॉप फुटर वगैरह हो या फिर टॉप मेन्यूज़ हो या फिर पेज के नाम से हो, तो मेरे यहाँ पे टॉप नेविगेशन के नाम पे जहाँ भी आपने पेज क्रिएट कर रखे हैं वहाँ कर सकते हैं आप इजीली। एड न्यू आइटम एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू कॉलम आपका ओपन हो जाता है। यहाँ जो फॉर्म आपने बनाया है उसका नाम, हमें जो पेज आपको शो कराना है उसका नाम यहाँ पे रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस, क्योंकि हमें कॉन्टेक्ट अस वाला फॉर्म है जो या फिर पेज है वो फ्रंट स्क्रीन पे शो कराना है, इसको हटाएंगे एंड यहाँ पे जो लिंक आपने कॉपी की है URL की उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, इस तरीके से पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद में यहाँ से एक बार सेव करेंगे इसको और इसके बाद में पूरी लेआउट को यहाँ से एक बार और सेव कर देंगे। जैसे ये सेव कंप्लीट होता है फिर आपको रिफ्रेश करके मैं दिखाता हूँ जस्ट ही, एंड यहाँ पे सेव होने का थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसका वेट करेंगे
तो सेव हमारा जो पेज है वो हो चुका है। एंड यहाँ पे आएंगे हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ नहीं है, रिफ्रेश नहीं किया है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज आ चुका है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से पेज क्रिएट कर सकते हैं। कोई और पेज क्रिएट करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फुल पेज कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। ऐड कैसे लगाते हैं, एडस्टेरा से ऐड कैसे लगाते हैं, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जेन्युइन कंटेंट्स मिलते रहे, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि फास्ट अपडेट आपको टाइम से टाइम मिले।